to my YouTube channel and yet another vlog. And literally I'm feeling very sleepy and look at my Chinese eyes. तो हमारी गाड़ी निकल चुकी है जाने के लिए. कहाँ जाने के लिए? एक्चुअली मेरा बड़ा टाइम से मन था हम ना एडवेंचर आइलैंड के पास, एडवेंचर आइलैंड में ही एक रेस्टोरेंट में डोसा और वो खा के आए थे, वाइट सॉस पास्ता. मेरा बड़े टाइम से मन था वहाँ जाने का, बट हम स्पेशली नहीं जा सकते थे तो हमें रोहिणी जाना था किसी काम से. तो दैट्स व्हाई वी डिसाइडेड पहले हम वो खाने जाएंगे फिर हम वो काम करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट इनटू आवर व्लॉग. और ये हम पहुंच चुके हैं एडवेंचर आइलैंड. मेरी आंखें बहुत पास से देख पा रही है उसका बोर्ड, बट आप लोग नहीं देख पा रहे हो तो एक ये जूम. हाँ अब दिख जाएगा आइलैंड, एडवेंचर आइलैंड. हम पहुंच चुके हैं. ओह कितने लेकर आएंगे. सो वी आर एंटरिंग एडवेंचर आइलैंड. तो यहाँ से ना आपको यहाँ से एंट्री लेनी है सीधा सीधा मेट्रो वॉक एंड हमें इधर से जाना होगा. बैग चेक करेंगे. आंटी बैग चेक करोगे? बैग चेक करोगे? तो इधर से ये डीकैथलॉन है इधर, और उधर जाके उधर एडवेंचर आइलैंड है. और यहाँ पर आपको बर्गर किंग, पैंटलून्स और वुडलैंड, आई गेस मैकडी भी है इधर. तो ये सब कुछ आपको मिल जाएगा. और एडवेंचर आइलैंड के बाहर ही ना आपको ये वाले स्टॉल्स मिल जाएंगे, कुछ कपड़ों के भी होते हैं. एंड देखते हैं ऐसे टॉयज के भी होते हैं, ऐसे बहुत सारे से स्टॉल हैं. तो फर्स्ट स्टॉल इज दिस. ये ओ माय गॉड मानवी कलेक्शन. ये बहुत अच्छा था. तो यहाँ पे आपको ये क्रॉप टॉप्स मिल जाते हैं, पैंट्स मिल जाते हैं, ड्रेसेस मिल जाते हैं, टॉप्स मिल जाते हैं सुंदर सुंदर. सच तो मुझे यहाँ से कुछ भी पसंद नहीं आया, जस्ट बिकॉज कुछ ऐसा था नहीं जो कि बहुत अलग सा लग रहा हो, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मेरे पास हैं. तो इस तरह की ये ड्रेसेस यू कैन फाइंड. तो यहाँ से हम क्या लेकर गए थे मम्मी? अजवाइन लेकर गए थे, जो कि बहुत अच्छा होता है अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है. तो अभी हम दोबारा से अजवाइन ही ले रहे हैं. दिखाना हंड्रेड रुपीज़ का बताया इन्होंने. जैसे यहाँ पर टॉयज़ की शॉप है गेम वाली, एंड दिस इज़ द फुटवेयर शॉप. उधर सनग्लासेस, हैट, उधर कुछ खाने पीने गए, इधर ये रिंग है और मंगलसूत्र 99 में. लेट्स सी मंगलसूत्र नहीं रिंग यार. यहाँ पर ग्लोरियस पब्लिक स्कूल ने शायद उन्होंने ही लगाया हुआ है, नहीं सॉरी ये यहाँ पर ये बुक्स का भी लगा होता है. एंड इधर से ही आगे जाकर ना वो रनवे भी है, और रनवे वाला वो रेस्टोरेंट जो है वो, और एडवेंचर आइलैंड भी है. एंड जैसे ये एक बैग्स की शॉप है आगे, और शर्ट्स वगैरह की शॉप है. जैसे ये वाला बैग, ये वाला का क्या प्राइस है? 350 ही सेड. से यहाँ पर और क्रॉप टॉप एंड ऑल टी शर्ट्स हैं. यू कैन एन्जॉय दिस सूदिंग प्लेस. यहाँ पर तो स्टार्टिंग में गंदा हुआ है, बट हाँ दूर दूर तक देख के तो एन्जॉय कर ही सकते हो. और वहाँ पर ना वो आईफिल टावर वाला बना हुआ है, आईफिल टावर ही बना हुआ है. तो वहाँ पर आप पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो. एंड जैसे ये लोग यहाँ पर बना रहे हैं, यू कैन मेक रील्स ऑल्सो. मेनली मुझे जहाँ आना था ना ये बर्गर किंग है, बीके कैफे, इसके अगला वाला है ये द फूड रिपब्लिक. आई गेस यू कैन सी. हाँ ये फूड रिपब्लिक, इनका रवा डोसा यार यम, और इनका वो वाइट सॉस पास्ता यम. हमने वाइट सॉस पास्ता खाया था, रवा डोसा खाया था, चाय पी थी, तीनों चीज़ें बहुत यम थी. तो लेट्स गेट इन. आज मेरे को वाइट सॉस पास्ता तो खाना ही है, लेट्स सी और क्या खाते हैं. वहाँ का ना मुझे एम्बियंस भी बहुत सही लगता है, मतलब लाइक
बहुत ही पीसफुल सा, सूथिंग सा, बहुत अच्छा है। और ये हम मैकडोनल्ड से सामान उठा के ले आए हैं, वो यहीं पर आ गया है हमारा पास्ता। और मतलब मुझे फील हुआ कि पहले टाइम पे जब हम पहले आए थे ना तो इनकी क्वांटिटी ज़्यादा थी, अभी इन्होंने थोड़ी सी क्वांटिटी कम कर दी है। बाकी टेस्ट में खा के देखते हैं कैसा लगता है। दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। आपको लग रहा मैंने रणवीर बरार की तरह टेस्ट किया है? बिल्कुल ऐसे रणवीर बरार कैसे टेस्ट करता है? नहीं ऐसे कैसा लगा? पास्ता अच्छा, बट इन्होंने क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर दी है। तो मस्ट ट्राई दिस पास्ता। रवा डोसा आज हमने लिया नहीं है क्योंकि पहले से ही बहुत ज़्यादा, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, पर यहाँ का बहुत अच्छा है। यहाँ का बहुत अच्छा है। रवा डोसा आज हमने लिया नहीं है क्योंकि पेट पहले बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। वन मोर थिंग, यहाँ पर ना आप बोटिंग भी कर सकते हो। बोटिंग के चार्जेस आई डोंट नो, बोटिंग भी कर सकते हो। वी हैव डन विद आर खाना पीना और अभी हम गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, चलते 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 धूप में गाड़ी लेके। फिर हमें जो काम करना है हम वो करेंगे एंड देन विल बैक टू आवर होम। सो लेट्स गो। हाँ, ये मेन चीज़ थी, यहाँ पे जो स्टॉल्स हैं ना उनके प्राइसेस भी बहुत अच्छे हैं, जस्ट लाइक 100, 200, 250, 150 इस तरह के, तो यू कैन डू परचेजिंग ऑल्सो। तो एट लास्ट मैंने खाई रोहिणी वेस्ट में गौरव पेस्ट्री प्लेस के चीज़ी स्वीट कॉर्न, जो कि बहुत टेस्टी लगते हैं, यू मस्ट ट्राई। ब्लॉग पसंद आया तो आई रिक्वेस्ट यू गाइस टू लाइक एंड शेयर माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन एंड विल मीट इन आवर नेक्स्ट ब्लॉग।